हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आपने बिल्कुल सही देखा थंबनेल पे, ये हमारा लास्ट व्लॉग है। अब हम यूट्यूब क्यों छोड़ रहे हैं? व्यू नहीं बढ़ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, लाइक नहीं आ रहे, क्या रीज़न है वो आपको वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। बट आज न्यू ईयर का सेलिब्रेशन तो करेंगे ही, तो व्लॉग तो बनता है। अभी मैं तैयार हो गया हूँ, बंटी भी तैयार हो गई है, और अभी जाएंगे न्यू ईयर पार्टी कोई सेलिब्रेशन नहीं के हूँ, लिए। होने लग रही हूँ मैं। हम मीन्स ऑलमोस्ट हो ही गए। आज हमें पता नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, लेकिन न्यू ईयर सेलिब्रेशन करना है। अब देखो कैसा होता है, या फिर लास्ट में वही सेक्टर 14 की चाप खानी है, ये तो बाद में अरे जाके ही यार पता ऐसा तो चलेगा। मत करना। अब पता चलेगा, अभी पता ही नहीं कहाँ जाना है। ऑलमोस्ट ये वाला टॉप लाई थी मैं एसन से, आपने मस्त लग सारे रही कपड़े थी। दिखा तो दिए थे उस ब्लॉग में, एसन वाले ब्लॉग में। नहीं उसमें मतलब पूरा ड्रेस अप नहीं हुई थी ना, मैं इसमें ड्रेस अप हो रखा ओके, है पूरा मैंने। ये फाइनल ड्रेस अप है। पैंट और ये दोनों ही लाए थे आप हाँ सुरंग ये में से? पैंट भी लाई थी गाइस, इसका मैं रेट बता नहीं सकती क्योंकि मेरे को खुद ही शर्म आ जाएगी है ना, इसलिए बस आप देखो अच्छा लग रहा है। ओनली नहीं, रेट मत अच्छा, बताना, इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, कोई पूछेगा तो। कोई पूछे तो बता। अभी हम जा रहे हैं पार्टी करने, पता नहीं कहाँ। अभी मंगलसूत्र पहन रही हूँ मैं हनी से, क्योंकि बिना मंगलसूत्र खाली खाली गला मुझे अच्छा नहीं लगता, और चेन हनी निकाल नहीं रहे क्योंकि आलस आते हैं हनी को ना, अरे वो बेड में रखे ना, तो फिर मंगलसूत्र अच्छा है। नहीं देखो चेन ज्यादा अच्छी लगती क्योंकि आज मुझे दूसरी वाली वाइब्स लेनी थी ना इसलिए। मैं नी मंग दी चन तारे ओ खाबा वाला देश वे। गाइस देखो कितने अच्छे लग रही हैं आंखें, सुखा दो। मस्त लग रहा है ना, लाइनर के बिना आंखें अच्छी नहीं लगती पर अभी मस्त लग रही है। सो गाइज, फाइनली 1 घंटा 13 मिनट और 18 सेकंड के बाद बंटी तैयार हो गई। ये पहन रही है, हनी ने मना कर दिया, ये अच्छे नहीं लग रहे थे। अब देखो आपका फाइनल लुक अच्छा लग रहा है, मस्त पार्टी वाला लुक दे रहे हो। सरोजनी के कपड़े पहन के जाती जाती मैडम मैडम डिस्को, आज तो आप पे सही सूट हो रहा है। ये वाला सॉन्ग, सरोजनी के कपड़े और डिस्को जाना है। लेट्स गेट स्टार्ट, तो चलो चलते हैं। पहुंच चुके हैं और यहाँ पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि हर कॉर्नर जगह जगह पुलिस है आज। हर कॉर्नर पे क्या, यहाँ स्टेप स्टेप पे पुलिस खड़ी है। ठीक है अभी हम अपना लोकेशन ढूंढ रहे हैं कहाँ पे है। देखो कुछ है नहीं यार, क्राउड ही इतना है। हनी अभी बीजी हैं, अपना बार ढूंढ रहे हैं कौन सा है। इधर देखो कितना रस है। पब में बहुत ज्यादा रस, तो हनी अभी डोमिनोज का पिज्जा ऑर्डर करने गए हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। देखो अभी हनी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे 29 का। कैसे बकवास है 29 उनके लिए, जो बस पीने पीने के लिए आते हैं। 5,000 रुपए दो, पाँच मतलब 5,000 रुपये पर कपल है यहाँ पे, और जो नॉर्मल डेज होते हैं ना उसमें 1,000-1,500 तक मिल जाता है ना पर कपल, 1,500-2,000 इतना मिल जाता है। लेकिन अभी तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है इसलिए हमें वापस जाना पड़ेगा डोमिनोज से। कहाँ जाएंगे डोमिनोज से फिर वापस? देखते हैं, कई अच्छी सी जगह जाएंगे, डिनर करेंगे, अभी पिज़्ज़ा खा लेते हैं। गाइस पिज़्ज़ा आ चुके हैं, हनी ओपनिंग कर रहा है पिज़्ज़ा की। अब इसके डेकोरेशन करेंगे, खाएंगे फटाफट से, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में खा पी के। गाइस एक पिज्जा खत्म हो गया, दूसरा ओपन हो रहा है। मिर्ची लग गई इसलिए मुझे खांसी आ रही है। हनी कितना खुश हो रहे हैं देखो, पिज्जा देखते ही हनी के चेहरे की स्माइल अलग ही हो जाती है। देखो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो गाइज पिज्जा खा लिया और पीछे आप पुलिस देख सकते हैं कितनी पुलिस है, क्योंकि 8 बजे की एंट्री है सभी पबों में, इसलिए भीड़ बेसब्री से इंतजार कर रही है। ये देखिए पीछे भीड़ कितनी है और रौनक लगी हुई है पूरी, लेकिन कोई मजे वाली बात नहीं है क्योंकि ये सब पीने वालों के लिए है, बढ़िया है। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं बस। नॉर्मल डेज में आए तो ज्यादा
आप तो भीड़ ही इतनी रहेगी अंदर, और लड़ाई झगड़े का पूरा रिस्क है, और हमें लड़ाई झगड़े से लगता है डर। इसलिए अपने दो पिज्जा खाए, खत्म किया, अब अपनी फेवरेट मार्केट में जाएंगे और वहां देखेंगे। मैंने बोला था, पहले ही बोला था, वही सेक्टर 14 की चाप खानी पड़ेगी। वैसे तो घर में हनी ने कुछ स्पेशल कर रखा था, मैंने पूरा प्लान चौपट करके मैं यहाँ लेके आई। पर ये ठीक है ना, मार्केट तो देखो ना पीछे रौनक। और ये देखिए 29 की रौनक, सेक्टर 29 गुड़गांव। पुलिस तो हर जगह दिख जाएगी आप लोगों को, जगह जगह पे पुलिस के ढेर लगे हुए हैं। और क्या चाहिए, तंदूरी चिकन चाहिए विद चटनी चाहिए। तो गाइस 29 में ओनली ड्रिंक था और नॉन वेज था, मेरे लायक कुछ था ही नहीं, इसलिए हम वहाँ पे गए नहीं। गए थे मतलब एंजॉय, थोड़ा बहुत एंजॉय किया, लेकिन हम वहाँ पे कुछ खा पी के नहीं आए। बार बार से सुखा सुखा एंजॉय किया, बस ओनली पिज़्ज़ा वीज़ा खाया था, कोल्ड कॉफ़ी वगैरह ली थी। और अभी यहाँ पे आए हैं तो हनी तंदूरी चिकन खा रहे हैं, मैंने खाया, देखो मेरा ये फोल्ड कर दिया मैंने, गैस करके बताओ क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना क्या है ये। हनी मज लुत्फ उठा रहे हैं, लुफ्फ के लुत्फ उठा रहे हैं, मजे ले रहा हूं बस ये। हनी न्यू ईयर की पूरी वाइब्स ले रहे हैं, यहाँ पे खा रहे हैं इसका कबाब एंड करी। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, हुआ नहीं पड़ा सजना। नीचे देखो कोयले हैं, पैरों को सेक भी सकते हैं नीचे कोयले से, सब लोग खा रहे हैं। अब पियेंगे सेक्टर 14 की स्पेशल चाय, भाई के हाथ की, भारत भैया के हाथ की, ये फेवरेट चाय है बंटी की। सेक्टर 14 में जब भी आती चाय जरूर पीती, वैसे नहीं पीती, मस्त चाय बनती है। 14 होने लग गया है बंद, क्योंकि टाइम हो गया है 10:30। इस कोल्ड कॉफी वाले ने मुझे धोखा दिया था। बट ये चाय ने कभी धोखा नहीं दिया, चाय एवरग्रीन है, बेस्ट। और बंटी यहाँ पे चाय की चुस्की लेते हुए, साल की आखिरी चाय, सेक्टर 14 की फेवरेट चाय, ठंड है तो ठंड तो होगी, दिसंबर के महीने में ठंड नहीं होगी तो कब होगी। मजा आ गया, तो चलो चाय फिनिश करते हैं। 2022 ख़त्म होने वाला है, बस एक घंटे से भी कम टाइम बचा है। हाँ। तो टाइम हो गया 11:08। तो इसलिए ये हमारा आज का लास्ट, इस साल का लास्ट व्लॉग है, व्लॉगिंग हम नहीं छोड़ रहे हैं। व्यू कितने भी आए, सब्सक्राइबर कितने भी हों, लाइक कितने भी आए, पर ये हम अपने मतलब उसके लिए कर रहे हैं, क्रिएट करके रख रहे हैं, तो हम ब्लॉगिंग नहीं छोड़ रहे, वो एक मजाक था। और साल का ये आखिरी ब्लॉग आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।